बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर 11 है फर्स्ट ईयर का, और आज के लेक्चर के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट देखेंगे। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा होता है कि एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि जब दो वैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनकी मल्टीप्लीकेशन की वजह से अगर मुझे रिजल्टेंट क्वान्टिटी एक स्केलर क्वान्टिटी मिलती है, तो ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का। और वहाँ पर एक चीज़ आपको और बताई थी कि स्केलर प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो इट मींस इट इज़ आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। तो इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो टू वेक्टर्स मल्टीप्लाइड इन सच अ वे दैट दे रिजल्ट्स अ स्केलर क्वांटिटी, देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड इट इज़ आल्सो नोन एज डॉट प्रोडक्ट। मेरे बेटा, स्केलर प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए वी कॉस ऑफ थीटा। इट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट के दरमियान क्या आ रहा होता है? डॉट आ रहा होता है। इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या नाम देते हैं? डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो यहाँ से पता चला कि ए डॉट बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ए बी कॉस ऑफ थीटा। इसको और आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरा वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है। मेरा बेटा, इनके दरमियान अगर एंगल थीटा है तो इनके अगर कॉम्पोनेंट सॉल्व करता हूँ तो सामने वाला कॉम्पोनेंट बी साइन ऑफ थीटा, साथ वाला कॉम्पोनेंट बी कॉस ऑफ थीटा। तो अगर ध्यान से देखो तो ये ए कम्प्लीट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें, इस ए की जगह आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कि ए की कम्प्लीट मैग्नीट्यूड किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? बी कॉस ऑफ थीटा। बी कॉस ऑफ थीटा क्या है? बी का वो कॉम्पोनेंट जो कि ए के क्या है? पैरेलल। तो कॉम्पोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, ये साइन पैरेलल का साइन होता है, पैरेलल टू ए। तो इट मीन्स ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड वैक्टर विच इज़ पैरेलल टू फर्स्ट वैक्टर। तो ये आसान अल्फाज में इसका फॉर्मूला था। इसकी मेरा बेटा अगर एग्जांपल की बात करूँ तो मेरा बेटा वर्क है, देखें फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? वर्क। और वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सेम अगर पावर का देखूँ तो एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? पावर। इट मीन्स ये भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। इसके करेक्टरिस्टिक देखते हैं मेरा बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मेरा बेटा, आपके स्केलर प्रोडक्ट्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इट मींस ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा बी डॉट ए के, सो वी कैन से डॉट प्रोडक्ट होल्ड्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होता है कि इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें। मेरा बेटा, अगर इसको प्रूफ करना है तो मुझे पता है कि ए डॉट बी होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वैक्टर मल्टीप्लाइड बाय कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड वैक्टर विच इज पैरेलल टू फर्स्ट। और बी डॉट ए करूँ तो बी ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। मेरा बेटा, मुझे पता है कि इसके अंदर अगर मैं कॉस ऑफ थीटा को हटा दूं तो ए और बी मेरी एक स्केलर नंबर्स है, यानी कि ए भी मेरी कोई नंबर है, बी भी मेरा कोई नंबर है। तो अगर मैं बेटा 2×3 करूं या 3×2 करूं, दोनों का जवाब क्या आएगा? सेम। इट मीन्स अगर ए डॉट ए बी करूं, ए मल्टीप्लाई बाय बी करूं या बी मल्टीप्लाई बाय ए करूंगा, दोनों का जवाब क्या आएगा? सेम। इट मीन्स जहाँ पे बी ए लिखा हुआ वहाँ पे ए बी लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर टू में इस बी ए की जगह ए बी को रिप्लेस करें तो मेरी क्वेश्चन नंबर टू बनेगी बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। मेरा बेटा, अब इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर थ्री को कंपेयर करें। मेरा बेटा देखें, यहाँ पे भी ए बी कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए बी कॉस ऑफ थीटा लिखा हुआ है। इट मीन्स इस ए बी कॉस ऑफ थीटा की जगह मैं बी डॉट ए लिख सकता हूँ। तो देखिए, कंपेयर करता हूँ तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? बी डॉट ए। तो यहाँ से मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है? प्रूव हो रही है। उसके बाद मेरा बेटा सेकंड करेक्टरिस्टिक है पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। मेरा बेटा, मुझे पता है कि ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए बी। तो यहाँ से पता चला कि अगर पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट देता है। देखिए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। सेम मेरा बेटा, अगर मैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए फाइंड आउट करता हूँ तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री। तो इस 180 डिग्री को यहाँ पे पुट करो तो बच्चे क्या बनेगा? ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 180। मुझे पता है कॉस ऑफ 180 जो है वो -1 के इक्वल होता है। तो मेरा बेटा, जब मैं -1 पुट कर दूंगा तो ए डॉट बी इक्वल हो जाएगा किसके? कॉस ऑफ 180 जो है मेरा बेटा -1 के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरा बेटा ए बी एज इट इज रहेगा, साथ माइनस साइन आ जाएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है, बट नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो यहाँ साथ एक नेगेटिव साइन आ रहा है। उसके बाद मेरा बेटा, अगर मैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स पे जाता हूँ तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। मुझे पता है ए डॉट बी ए बी कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है। अगर मेरा बेटा मैं यहाँ पे 90 डिग्री पुट करता हूँ तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 90 होगा। और मुझे पता है कॉस ऑफ 90 किसके इक्वल होता है? बच्चे 0 के इक्वल होता है। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 जवाब भी क्या आ जाएगा? 0। तो इट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पता चला कि जब भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है
तो मेरा बेटा उस वक्त आपका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, यानी कि किसी किस्म की कोई मैग्नीट्यूड नहीं मिल रही होती है। तो देखें डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव जीरो रिजल्टेंट। उसके बाद मेरा बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि एक वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अगर सेम वेक्टर्स आपस मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स उन दोनों का एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री। इट मीन्स दोनों की मैग्नीट्यूड भी क्या है सेम, दोनों की डायरेक्शन भी क्या है सेम है। तो मेरा बेटा ए डॉट ए करता हूँ तो ए ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। अब सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इट मीन्स सेम वेक्टर्स है, सेम वेक्टर्स का एंगल क्या होगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है कॉस जीरो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, और ए मल्टीप्लाई बाय ए ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि जब भी आप सेल्फ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका रिजल्टेंट हमेशा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसी का स्क्वायर हो जाता है। अगर ए डॉट ए कर रहा हूँ तो ए स्क्वायर, बी डॉट बी कर रहा हूँ तो बी स्क्वायर, सी डॉट सी कर रहा हूँ तो सी स्क्वायर। इट मीन्स सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हमेशा स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है। तो देखें सेल्फ डॉट प्रोडक्ट गिव्स स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। मेरे बेटा उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। मेरे बेटा यूनिट वेक्टर्स आपको पता है कि एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के डायरेक्शन में जे होता है, और के डायरेक्शन में जेड के डायरेक्शन में के होता है। आई और जे के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, जे और के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है, आई और के दरमियान भी एंगल 90 डिग्री है। और मुझे पता है कि जब भी हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, जीरो। इट मींस अगर आई डॉट जे करूंगा तो जवाब क्या आएगा, जीरो। आई डॉट के करूंगा तो जवाब क्या आएगा, जीरो। जे डॉट के करूंगा तो जवाब क्या आएगा, जीरो। यहां पे देखें आई डॉट जे किया जीरो, जे डॉट के किया जीरो, के डॉट आई किया जीरो। यहां पे क्लियर होगी बात। उसके बाद मेरा बेटा अगर मैं आई डॉट आई करता हूँ तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट होता है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि मुझे स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड मिलेगी। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होती है, वन। तो वन का स्क्वायर वन। तो मेरा बेटा आई डॉट आई करूंगा जवाब क्या आएगा, वन। जे डॉट जे करूंगा तब भी वन, के डॉट के करूंगा तब भी वन। तो यहाँ से पता चला कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है, पैरेलल वेक्टर भी हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देता है, और एंटी पैरेलल वेक्टर भी मैक्सिमम वैल्यू देता है बट विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि यूनिट वेक्टर्स भी हमें मैक्सिमम वैल्यू देते हैं। अब यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, वन। तो आई डॉट आई करूँ, जे डॉट जे करूँ, के डॉट के करूँ, हमेशा जवाब क्या आएगा, वन। बट अगर किसी यूनिट वेक्टर को किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमेशा जवाब क्या आएगा, जीरो आएगा। दिस इज़ द बेसिक लेक्चर ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। किसी को इस लेक्चर में कोई मसला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।